एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। गाइज, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को जय माता दी। गाइज, आपको बता दें, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और पंडित जी ने बोला है कि 9:00 तक आएंगे, तो हमें पूजा की करनी है सारी तैयारी। जैसे उन्होंने बोला कि भगवान का वस्त्र वगैरह पहना दीजिएगा, धोनी के प्रसाद 11 चढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कुछ कुछ काम आप किए रहिएगा, क्योंकि आज भाई उन लोगों की डिमांड होती है, हर जगह उनको जाना रहता है। इसीलिए हम सोचे कि चलिए हम ही कुछ कुछ कर लेते हैं, भगवान का पुण्य ले लेते हैं। सारा काम तो पंडित जी करेंगे ही। और आपको बताऊँ, आज देखिए मैं पहनी हूँ न्यू साड़ी, कैसा लग रहा है आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी ग्रीन कलर की साड़ी है, बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैं ले आई मार्केट से, बिल्कुल न्यू है आज मैंने पहना है। तो आज तो एकदम टाइम नहीं है यार, सच में आज का शेड्यूल बहुत बिजी है। और कुछ आज हमारे यहाँ आपको बताया, नवरात्र के साथ साथ दो नई चीज़ें होने वाली हैं आज, तो इसके लिए मैं स्पेशली ब्लॉग बना के आपको दिखाऊँगी कि आज मेरे यहाँ स्पेशल है क्या। और एक नहीं दो है, वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं सारा काम, क्योंकि मैं तैयार हो चुकी हूँ, पंडित जी आ जाएंगे कावल, जो कि मुझे तैयारी करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेगा। मम्मी ने बोला कि तुम जाओ भगवान का सब काम करो, भगवान के मंदिर में जाके साफ़ सफाई कर लो, बाकी सारे काम मैं घर के कर लूँगी। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग से ज़्यादा पूजा करने की खुशी है। चलते हैं फटाफट, आपको दिखाते हैं कि मुझे आज मेरे यहाँ नवरात्र के फर्स्ट डे में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, और कलश की स्थापना किसने की, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलिए फिर चलते हैं फटाफट। के द्वार पे ये फूल और आम का पत्ता लगाया, फिर उसके बाद मैंने दुर्गा जी को चुनरी वगैरह माला जो जो होता है सब कुछ पहना है। आप लोग को बताया कि हमारे यहाँ 2 दीपक जलता है, एक तो अखंड जोत जलती है और एक जोत जो कटोरी में जलती है, वो 24 आवर्स क्या पूरे 9 दिन लगातार वो जलेगा, तो इसीलिए हम लोग के यहाँ 2 रखा जाता है। देखिए, मैंने सारी तैयारी कर दी है, प्रसाद वगैरह भी लगा दिया है, और पंडित जी ने कलश वगैरह में जो जो बोला था करने के लिए, मैं सब कुछ करके अपनी देवी जी को सजा के रख दी हूँ। यार, कितना सुकून मिलता है ना जब घर में पूजा रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। फाइनली आ चुके हैं और पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। वो बता रहे थे कि किसके किसके यहाँ, मतलब कॉलोनी में उनको जाना है पाठ वगैरह करने के लिए, वही वो बता रहे थे। और देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ यार, बड़ा सुकून हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का दिन भगवान करे सभी को ऐसे ही नवरात्र की शुभकामनाएँ मिलती रहे और सबके घर में तरक्की होती रहे। भगवान गणेश जी महाराज का स्मरण करते हैं। देवी स्वस्ति नौ बृहस्पत दधातु द्यौ नमः। आदि जी दीपं जायताम बोधि ताव दीपालिन्यै नमः। भवत्व भावः यथाशक्ति भोजनम यजमानस्य कल्याणं खोडश्रवात्रकाराम आवाहनम स्थापनम पूजनम माँ भगवती पूजा को माँ परिपूर्ण करिए। शिवस्काम सर्जने सौ वृषदने शिव सदमाशी कलश समुखे विष्णु कंठे नारियल कोशी धा, नहीं बिल्कुल सही है, नारियल कोशी धा करिए, सतिया को आगे बढ़ाइए, ऐसे नहीं देखिए, ऐसे ये बात। हाँ, और कलश थोड़ा घुमा दीजिए, सतिया इस तरफ सामने हाथ स्पर्श करिए। कलश सबके विष्णु कंठे दुशवास्ता कुशो शाग्रा शंतु सबद्वीपा वसुंधरा ऋगवेदो यजुर्वेदो शंकु कलश चराचरशो गुरुवाश्व। थोड़ा अर्पण कर दीजिए, नमः गणेश नमः सूर्य जय गुरु के रूप में भगवान स्वीकार कर। बस आज प्रथम दिन बना दीजिए और माता जी उधर देखिए, माला बनाते हुए जो हाँ कुरान मंगल प्रदानम शिवो श्रीवर्धन मृत्योर मोक्षीय मामृताता सुगंधित लोन द्रव्याणम समर्पयामि। कल्पयन्
स्थापना हो गई थी। फिर पंडित जी ने बोला कि 10 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम गणेश जी का जाप करते हैं। 10 मिनट जाप करने के बाद मम्मी को बोले आप पाठ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आरती होगी। और देखिए हमारे भगवान कितने सुंदर देवी जी लग रही हैं। और यहाँ पे पंडित जी मजाक कर रहे थे कुछ, हम लोग वही सुन रहे। देवी माँ को भोग लग गया था, उसके बाद हमने ये वीडियो लिया आप लोग को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ फाइनली ऐसे ही पूजा हुई। और हाँ, आप लोग को ये बता दें, आज मेरे मंदिर की लाइट वगैरह चेंज हुई है, न्यू लाइट मेरे मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा चमक है आज मेरे मंदिर में। पंडित जी को भैया तिलक लगा रहे थे। हमारे घर की हो गई पूजा, कलश की हो गई स्थापना। आप लोग को इस ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि कलश की स्थापना किसने की। और आपको बता दें, कलश की स्थापना हमारे देवर ने किया था, इसने किया था क्योंकि हर चीज़ सबकी मन्नतें पूरी हो गई है, सब कुछ आदमी सक्षम है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उनके साथ भगवान को सुनना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग भी इस चीज़ से, मेरी सासू माँ जो है बहुत तनाव में रहती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग को लगता है कि नहीं उस पूजा पाठ से भी कराया जाए। तो कलश की स्थापना उन्होंने ही किया था। और क्या बताएं यार, थक गई हूँ आज एकदम, बहुत ज़्यादा काम पड़ गया। फर्स्ट डे में थोड़ा काम रहता है, उसके बाद काम नहीं रहता है, फर्स्ट डे में काम रहता है। और नवरात्र की पूजा पंडित जी कलश स्थापना सब करा के जा चुके हैं। आज भी बहुत जल्दी में थे तो उन्होंने सिर्फ चाय वगैरह ही पिया, कुछ और लिया नहीं, बोला कल सिर्फ करेंगे पाठ उठ, तो फिर हम सब कुछ खाना पीना करेंगे, फलहार ही करते हैं, 9 दिन का फास्ट वो भी रहते हैं। और ये देखिए फाइनली मैं नवरात्र की स्पेशली चूड़ी ले आई थी, रेड ग्रीन येलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिन से मन था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं नवरात्र में पहनूं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट, बहुत सारा काम है अभी फैला मेरा। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।